पिलरिस्टिक थियरी आती है पिलरिस्टिक थियरी तो पिलरिस्टिक थियरी का मतलब हो गया इस सोसाइटी सोसाइटी तो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी इज द एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन यानी समाज समूहों का समूह है ये अगर सोसाइटी है ये सोसाइटी मान लो ये सोसाइटी है आपकी तो यहां पर ये ग्रुप है ग्रुप है इकोनॉमिकल ग्रुप सोशल ग्रुप पॉलिटिकल ग्रुप रिलीजियस ग्रुप एजुकेशनल ग्रुप विमेंस ग्रुप चाइल्ड ग्रुप है कि नहीं इन्हीं से तो समाज बन रहा है तो समाज क्या है समूहों का समूह है अब इन समूहों को अगर पार्टिसिपेट का अवसर न दिया जाए तो हाउ कैन पॉसिबल सिस्टम आर डेमोक्रेटिक इसका मतलब और दूसरा रीजन क्या है कि आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल बेस पर वर्क नहीं मैं उस दिन बताया ना कि कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं प्यास आपको अकेले लगी है चलो चलते हैं अपने मित्र मंडली के साथ को, चलो चलते हैं चाय पी आते हैं पानी पी आते हैं बस एक ही जगह पर समूह नहीं काम करता है मरने में डेथ क्या है लाइफ का पार्ट है डेथ इज़ नो इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ ये एक रीजन है तो लाइफ और डेथ कल मैं बात कर रहा था आर्टिकल ट्वेंटी वन को लेकर ठीक तो सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है इसको समझना है आपको नीट क्लास थियरी बेसिकली ये थियरी ये आती है नाइनटी 70 के अराउंड जिसमें डेमोक्रेसी का क्रिटिसिजम किया जाता है। क्लियर और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ पब्लिक है डेमोक्रेसी इज द दे रूल ऑफ पब्लिक लेकिन एलीट क्लास के जो भी सपोर्टर हैं या फॉलोअर हैं वह कहते हैं कि जिस लोकतंत्र को हम जनता का शासन कहते हैं वो वास्तव में जनता शासन करती कर। समझिएगा क्या जनता के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वह रूल कर ले शासन कर ले सामूहिक जनता डेमोक्रेसी यही कहता है ना कि जनता का शासन तो जनता का शासन पॉसिबल कहां है तो सब अपने तर्क दे रहे हैं ना इनका भी तर्क सही है अपनी जगह पर कि अब तुम बताओ कि डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्या है जनता का शासन जनता का जनता के लिए शासन यही है ना अगर जनता का जनता के लिए शासन है तो जनता शासन कहाँ है? शासन तो मात्र 83 लोग करते हैं नहीं समझ रहे एटी थ्री समझ रहे हो काउंसिल परिषद क्योंकि मैक्सिमम काउंसिल के नंबर किसके पास है 83 लोगों के पास है तो 140 करोड़ लोगों में तिरासी लोग शासन कर रहे हैं ऐसे लोगों में शासन जनता का कहने को बहुत कुछ है जाने दो उसके इसलिए एलिट क्लास कहती है कि जनता शासन करती ही नहीं इसलिए उन्होंने सोसाइटी तो को डिवाइड किया तो पार्ट में एलिट क्लास और नॉन एलिट नॉन एलिट एलिट क्लास इक्वल टू एलिट क्लास इक्वल टू क्या है माइनॉरिटी क्लास एंड नॉन एलिट इक्वल टू मेजोरिटी ठीक अब इस एलिट क्लास में है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिलीजियस एंड सभी अब इस एलिट क्लास को दो भागों में डिवाइड किया गया एलिट क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया एक पार्ट है पॉलिटिकल एलिट और दूसरा है नॉन पॉलिटिकल एलिट पॉलिटिकल एलिट एंड एंड मीनस नॉन पॉलिटिकल एलिट में रिलीजियस हो गया कल्चरल हो गया तमाम लोग हो गए ने? है कि नहीं शासन क्या करते हैं ये लोग करते हैं शासन पॉलिटिकल एलिट करता है ठीक अब कहने का तात्पर्य इतना अगर समझ गए तो आगे समझ लो तुम लोग को काम करेगा जब कि ये एलिट क्लास है सोसाइटी तो का जो वास्तव में एक्चुअल में रूल कर रहा है जो एक्चुअल में क्या कर रहा है रूल कर रहा है ठीक तो जब एक्चुअल में रूल कर रहा है तो स्थिति क्या हो रही है स्थिति ये हो रही है कि ये जो अगर इस इस रूल को अगर हम देखे यहां पर इस तरह से समझ लो तो ये सोसाइटी है यहां से लोगों को अंदर जाने का विदाउट रिस्ट्रिक्शन अंदर जाने की अनुमति हो और इन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति हो क्लियर एनिमीज कि जो लोग पहले शासन कर रहे थे अब वो एजेड हो गए वो बाहर निकल जाए और वहां पर दूसरे लोग नए लोगों को जाने की क्या हो अनुमति हो ठीक ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है नहीं ये चीज अपर हाउस के इलेक्शन में है वन थर्ड लोग रिटायर करते हैं लोकसभा के इलेक्शन में भी ऐसा ही होता है और अभी पुराने मुख्यमंत्रियों को हटाकर नए मुख्यमंत्री को बीजेपी ने लगा दी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तो पुराने को बाहर किया और नए को क्या किया तो पार्टी डेमोक्रेटिक हो गई कि नहीं पार्टी डेमोक्रेटिक हो गई ठीक अब जिस पार्टी में यह कंसेप्ट नहीं लागू होता है उसे कहा जाता है कि फैमिली पार्टी आरजेडी सपा कांग्रेस ये सब क्या है डेमोक्रेटिक तो सिस्टम कहां पे है पर एक ही परिवार के लोग डेमोक्रेटिक तो सिस्टम कहां इसीलिए कहा कि तो समझिएगा राजनीति को समझने का बहुत बढ़िया है ये भारतीय राजनीति को अगर समझा जाए तो राजनीति को समझा जा सकता है इस पर एलिट क्लास के थियोरी पर कि किसी भी एलिट क्लास के थियोरी पर शासन भले जनता नहीं करती है लेकिन अगर शासन प्रक्रियाओं में जनता को पार्टिसिपेट करने का अवसर दे दिया जाए शासन को जनता की पार्टिसिपेट करने की प्रक्रियाओं में अगर भागीदारी बना दिया जाता है नए लोगों को शामिल किया जाए पुराने लोगों को निकाला जाए तो सबको अवसर मिलेगा कि नहीं और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम इज टू डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक और यही इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल सिक्सटीन है हुँ? है कि नहीं इसलिए क्लास कहते हैं कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वह वास्तव में लोकतंत्र नहीं है लोकतंत्र की लोकतंत्र पर ऐसे आ जाती ये सब थॉट यूज करने होंगे आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोकतंत्र को शुरुआत कर दीजिए सब कुछ तो इसलिए डेमोक्रेसी कहती है कि जिसे हम जनता का शासन कहते हैं एलीट क्लास वो वास्तव में जनता शासन करती ही नहीं है क्योंकि शासन करने की क्वालिटी या क्वालिफिकेशन जनता में है ही नहीं बल्कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन व्यक्तियों को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देती है जिनमें शासन करने की योग्यता है ठीक है जैसे मनमोहन सिंह को हटाकर मोदी को मोदी को हटाकर कोई तीसरा मतलब तो यही हुआ ना अब जनता 140 करोड़ लोग कहां शासन करेंगे है कि नहीं तो ये सभी स्थितियां हैं और इन सभी स्थितियों के कारण या इन सभी स्थितियों के आधार पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक अब आया पार्टिसिपेटरी 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 का मतलब सहभागी लोकतंत्र लोकतंत्र अगर रूल ऑफ पब्लिक है तो रूल ऑफ पब्लिक तभी होगा जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आप पब्लिक हो है नहीं लेकिन आज के परिवेश में क्या मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आप पब्लिक हो रही है जैसे जस्ट लाइक अगर किसी इलेक्शन में अगर इलेक्शन है कोई भी इलेक्शन है उस इलेक्शन में जीतने वाला कैंडिडेट यानी इलेक्शन हो रहा है तो मैक्स, मैक्सिमम वोटिंग कितने परसेंट होती है साठ से पैंसठ परसेंट यही होती है ना इससे अधिक तो वोटिंग नहीं होती है से पैंसठ परसेंट अगर वोटिंग हो रही है तो इसमें जो पैंतीस परसेंट वोट पाएगा वो जीत जाएगा तो इसके अगेंस्ट में पैसठ परसेंट है कि नहीं तो ये व्यक्ति कैसे कह सकता है कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक हम जनता के प्रतिनिधि कैसे हुए तब तो कह है सकते हैं आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माइनॉरिटी क्लास वोटिंग कितनी होती है साठ से पैंसठ परसेंट किसी भी चुनाव में तो साठ से पैसठ परसेंट चुनाव में अगर वोट पड़ रहे हैं किसी इलेक्शन में साठ से पैंसठ परसेंट तो जीतने के लिए पैंतीस परसेंट चाहिए वो जीत जाएगा आदमी ठीक हो जाएगा कि नहीं अब अगर पैंतीस परसेंट पाके वो जीत रहा है तो उसके अगेंस्ट में 65 परसेंट है जो उसको वोट नहीं दिए हैं तभी तो 100 परसेंट होगा मेजोरिटी तो यहां पर है तो उसके अगेंस्ट में है अब फिर भी 35 परसेंट जीत के जीत गया तब कहा जाता है कैसे कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम की पोजीशन है डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी है ना वही तो कह रहे हैं अब तो वहीं पर आके अटक जा रही है इसलिए अब दूसरा इंपैक्ट इसका सुनिए कि अगर 35 परसेंट वोट पाके जीत रहा है सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है कि 35 परसेंट वोट तो इस ट में उसके सेम कास्ट के लोग होंगे सेम रिलीजन के होंगे है कि नहीं सेम तो सेम कास्ट सेम रिलीजन के अगर होंगे तो यह रिप्रेजेंटेटिव इस पैंसठ परसेंट के लिए काम नहीं करेगा हमेशा अपने कास्ट और रिलीजन के लिए काम करेगा जिससे कि उसका वोट बैंक हमेशा बनता रहे इसके कारण कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं क्षेत्रों में या मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं क्षेत्रों में डेवलपमेंट वर्क कराता है जहां पर उसे अब समझ में आ रही है कि नहीं पूरे है पूरे कॉन्स्टिट्युएंसी का रिप्रेजेंटेटिव लेकिन काम कहां करा रहा है वह जहां से उसे वोट मिलता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से फिसल जाए और हमेशा वह अगर पैंतीस वोट पाता है वो जीतता रहेगा अब अगर ये कंसेप्ट आ रहा है तो कास्ट का रोल बढ़ेगा रिलीजन का रोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कि नहीं तो ये सभी स्थितियां हैं ठीक मेरिट भी है तो डिमेरिट भी है ठीक और लास्ट है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जिसमें लोगों को विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता दी जाए तो विचार विमर्श के माध्यम से अगर स्वतंत्रता मिलती है तो शासन आम सहमति से चलेगा है कि नहीं आम सहमति से चलता है तो ये सब स्थितियां है ये सब लोकतंत्र के रूप है अब कौन सी थियोरी किस जगह लागू होगी ये आपके कंसेप्ट पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी पूछी जा रही है और आप किस जगह उसी बस तैयारी का मतलब इतना ही है आप मैं इस टॉपिक को बताने के पीछे सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि आपका अगर क्लियर है ठीक तो उस थियोरी को उस जगह लगा देंगे जहां पर वो प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट में जो थियोरी है उसका कहने का पूरा तात्पर्य यही था तो डेमोक्रेसी को तो किस ढंग से हम लेते हैं किस तरीके से हम लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका मोटो क्या है अगर हम डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल वे में लेते हैं तो हमारा मोटो है कि एज ए पॉलिटिकल सिस्टम ठीक और एज ए पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब हो गया कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ही आए ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए डेमोक्रेसी को हर जगह हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं रख सकते अब जैसे मान लीजिए ये है आपका डीपीएसपी ठीक अब यहां पर डीपीएसपी का मतलब है डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट आता है यहां पर एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी सोशल एंड डेमोक्रेसी अब डेमोक्रेसी को सिर्फ आप समझे कि डेमोक्रेसी इज द दे पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो नहीं क्लियर हो पाएगा यहां पर होगा कि डेमोक्रेसी का हम मतलब समझेंगे कि डेमोक्रेसी इज ए लाइफ स्टाइल वाइड कंसेप्ट में लेकर चल रहा है क्योंकि सोसाइटी वाइड है ना तो अगर यहां पर डेमोक्रेसी वाइड सेक्स स्ट्रक्चर पर चल रहा है तो इस डेमोक्रेसी का मतलब मैंने क्या बताया आपको क्वालिटी एंड लिबर्टी बताया था ना इसका मतलब अब इस कंसेप्ट को इस तरीके से ले इस सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता मतलब तो यही हुआ तो जब सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता हो जाएगी सामाजिक रूप में सब लोग समान हो जाएंगे आर्थिक रूप में सब लोग समान होंगे स्वतंत्र हो जाएंगे तो कोई किसी का एक्सप्लाइटेशन करेगा बोलो अनटिचबिलिटी रहेगी सोसाइटी में आ गया सत्रह की नहीं तो राज्य का वर्क क्या है स्टेट का वर्क क्या है यानी स्टेट का वर्क है क्योंकि डीपीएसपी दैट इज द पॉलिसी ऑफ स्टेट है कि नहीं तो जब पॉलिसी ऑफ स्टेट है तो सोशल इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड सोशल एंड एंड लिबर्टी अगर समाज में है समाज में समानता है स्वतंत्रता है क्या होगा ये नहीं हो, नहीं होगी बंधुत्व की स्थापना नहीं होगी एक समाज में एकता नहीं होगी समाज में अखंडता नहीं रहेगी इसीलिए अंबेडकर ने कहा संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं पढ़ा है ना इसको कि हम इस संविधान क्योंकि यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा तभी सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना क्योंकि राजनीति क्या है राजनीतिक क्या है राजनीत है समाज का प्रतिबिंब नहीं बताए थे राजनीतिक व्यवस्था प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का क्या होती है प्रतिबिंब है कि नहीं तो अगर सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा राजनीतिक व्यवस्था को अगर मजबूत बनाना होगा तो सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाना होगा अगर राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप में मजबूत करना होगा तो राजनीतिक व्यवस्था को भी लोकतांत्रिक रूप में बनाना होगा चेहरे पर खुशी लानी होगी, तो अंदर से खुश होना पड़ेगा है नहीं? में ही तो एक अगर समझ गए तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज होगा इसीलिए मैंने आज आपको यही कहा कि थोड़ा समझिए मतलब बस रटे होंगे तो नहीं एनालाइज कर पाओगे तब कैसे आप जोड़ोगे कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे है कि नहीं? अगर जोड़ना है अगर जोड़ने की स्थिति है तो है कि नहीं तो इन सब स्थितियों के आधार पर आपको समझना अब उस लोकतांत्रिक समाज को बनाने के लिए लोकतांत्रिक समाज को डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए इक्वलिटी एंड लिबर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट राइट टू इक्वलिटी राइट टू लिबर्टी एज ए फंडामेंटल राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्लियर घुस गया दिमाग में ठीक? अब इसको अगर ये चीजें हैं इसको कहा जाता है न्यू इंडियन सोसाइटी न्यू इंडियन क्योंकि इससे सोसाइटी में इक्वलिटी भी आएगी लिबर्टी भी होगी तो लोगों में यूनिटी भी आएगी एटर्निटी भी होगी और क्या होगा इंट्रिग्रेशन भी अब ये मतलब समझ में आया कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार क्यों रखा गया और वहीं पर वहीं पर समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया लेकिन सबके अधिकारों पर डेवलप प्रतिबंध लगा दिया गया इसका मतलब कि राज्य व्यक्तिगत विकास नहीं करना चाहता है क्या करना चाहता है सामाजिक विकास कर ठीक?